सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप सभी को इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि एक यूट्यूबर कैसे बने। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसी के बारे में आज आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना वीडियो को बढ़ाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से गाइड करते हैं। दोस्तों, आजकल बढ़ते क्रम की संख्या में आजकल हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। दिन भर में यूट्यूब पर हज़ारों या लाखों यूट्यूब चैनल क्रिएट होते हैं, और इन सब के बावजूद भी क्या हम यूट्यूबर बन सकते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। एंड अगर आप सभी लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोग अपने अपने अपडेट अनुभव के मुताबिक इस वीडियो पर बने रहते हैं। तो आप सभी को हम बढ़ते क्रम की नॉलेज वाले वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। सो मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब इतना फेमस हो चुका है कि आजकल हर एज के यूट्यूबर आप सभी को देखने को मिलते होंगे। उसमें कोई एज लिमिट्स नहीं है, उसमें कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है कि हम एक यूट्यूबर नहीं बन सकते। उसमें आप भी अपना कंटेंट, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत देकर आप भी उसको अपने सक्सेस को उस पर यूट्यूब पर अपनी मेहनत को सक्सेस ला सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं और आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। सो एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या हमें एक यूट्यूब चैनल ही क्रिएट कर लेना है और कुछ ही नहीं करना है, या हमें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, या उस पर कौन कौन से कंटेंट हमें डालना पड़ेगा, इन सब के डाउट हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि एक अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स फॉलो करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं और क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है। नंबर वन, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हम यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं। आपको इस सवाल का आंसर आपको क्लियरली होना चाहिए कि मुझे इसलिए यूट्यूबर बनना है, यानी इस फील्ड में उतरने का, आपका करियर में उतरने का आपका रीज़न क्या है। क्या आप केवल अपने फेम को दिखाने के लिए अपने यूट्यूब पर आना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना टैलेंट को शेयर करके यूट्यूब पर बनना चाहते हो। वैसे आपको YouTube पर नेम, फेम और मनी YouTube पर मिल सकती है, बट इसके लिए आपको पैसन, पैशन और सही और अच्छी स्किल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और ये सब आपके पास तभी होगा जब आप अपना YouTube पर लेकर एकदम माइंडसेट होगा, एकदम क्लियर होगा। और दूसरा यह है कि आप इसी ही प्लेटफॉर्म का यूज़ क्यों करना चाहते हैं, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हर देश में फैले हुए हैं, इसका मतलब यूट्यूब चैनल बनाने में तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और एक ख़ास बात तो ये है कि यूट्यूब सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जो, यानी आपके पास एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखाकर पैसा कमा सकते हैं और उससे नॉलेज भी ले सकते हैं। और तीसरा है कि सही नीश चूज़ करिए। यूट्यूब पर अपना रीजन चूज़ कर लेने के बाद अपना नीश चुनिए। नीश चूज़ करने का मतलब यह है कि आप अपने वो आइडियाज़, वो इंटरेस्ट जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जिसके बारे में आपको बात करना पसंद हो या बोलना पसंद हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पसंद हो, एंड वो होता है आपका नीश, जिसमें आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप फैशन, ब्यूटीज, ब्लॉग्स, मोटिवेशनल, ट्रेवल्स, टैक, अनबॉक्सिंग, कुकिंग, हेल्दी फूडिंग, टैक और एजुकेशन, इस तरह के आप जितना जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम नीच। ऐसे एक दो नहीं बल्कि हज़ारों टॉपिक्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो वो चूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ ये है कि आप अपने ऑडियंस को जानिए,
अपने टारगेट ऑडियंस किस एज किस ग्रुप्स के हैं, कि वीडियो का टॉपिक ऑडियंस को मतलब बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही सब आपको चूज करना है। पहले ऑडियंस इस टॉपिक पर क्या जानना पसंद करेगी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पर ऑडियंस को क्या पसंद नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने ऑडियंस को इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि आपको ऑडियंस ही आपको यूट्यूब पर सक्सेस बनाएगी। एक यूट्यूबर ऑडियंस ही बनाएगी आपको। सो आपको ऑडियंस का इम्पोर्टेंस क्लियर करना है, और ऑडियंस के मुताबिक ही वीडियोस को चूज करना है, कैटेगरीज को लेना है जैसे आपके ऑडियंस हैं। और पांचवा ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस है। क्रिएट करने के पश्चात आप अपना डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर लिखें, और अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका लिंक भी आप ज़रूर ऐड करें अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल क्रिएट करते वक्त आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको चैनल का नेम सोच समझ कर और इंटरेस्टिंग और कैचिंग ही रखना है। मतलब कि जैसे आप जो जिस कंटेंट पर वीडियोस बनाते हैं उससे मिलता जुलता आपका नाम होना चाहिए, आपके चैनल का नेम होना चाहिए। और छठा यह है कि आप क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए, चाहे कंटेंट पर हो चाहे वो वीडियो मेकिंग पर। क्वालिटीज सब जगह मैटर करती है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, टैग हो, बायो हो, वो आपको अच्छे से ही देख के अपने टैग्स और वो सब लगाने हैं। और एक अच्छा वीडियो तभी दिखलाता है जब उसका कंटेंट लंबा और टैग बड़ा होता है। इसीलिए सही साउंड और सही इम्प्लीमेंट और सही एडिटिंग और सही कंटेंट ही डालना बेटर रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी टॉपिक पर यूँ ही वीडियो बना देने से आप यूट्यूबर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप एक वीडियोस बनाते हैं जिस टॉपिक पर उसके बारे में आपके पास ढेरों सवालों आएंगे तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक उस टॉपिक पर वीडियोस बनाना पसंद करें, इंटरेस्ट रखें। अपने हर वीडियोस के ज़रिए अपने उस ऑडियंस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आना होगा, एंड ऑडियंस के डाउट्स क्लियर करते करते आपको वीडियोस बनाना है जैसे जैसे उनके डाउट्स आते हैं, जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं। क्योंकि आप सभी जब वीडियोस बनाएंगे तो आपके पास कमेंट्स भी आएंगे, उसके डाउट्स भी आपके आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने वीडियोस बनाया है उसके बारे में कैसी कंटेंट दी है तो उसके बारे में आप सभी को पूछा जाएगा, तो उसकी वीडियोस का दुगना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और लास्ट ये है कि आप क्रिएटिव अप्रोच जरूर रखें। जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्सेस पाने के लिए आपको क्रिएटिव होना होगा, आपको अपने वीडियोस इतने इंटरेस्टिंग बनाना है, इम्पोर्टेंस बनाना है, इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव बनाने होंगे जैसे आज तक किसी ने भी ना बनाया हो। सो हर बार नई नई चीज़ें दिखाइए, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाइए जिसमें आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट हो। सो दोस्तों, मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप सभी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको इसके नियम शर्तों को फॉलो करना होगा। आपको ऑडियंस की मान रखनी होगी, आपके जैसे ऑडियंस हैं वैसे आपकी मान रखनी होगी। जैसे आप किसी भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं तो ऐसे ही वीडियो नहीं बनाना जब आपको उस टॉपिक पर आपको अच्छा लगता हो, आप इंटरेस्टिंग हो उस टॉपिक पर, तभी टॉपिक को आप चूज़ करो, ताकि आने वाले टाइम में उसका नॉलेज भी आपके पास हो। और YouTube पर ऐसा नहीं है कि YouTube पर नॉलेज दिया जाता है, अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो आपको भी अच्छी नॉलेज होगी, वीडियो बनाने की भी नॉलेज होगी, और उसके बारे में भी आप और ज़्यादा सोचोगे और उसमें आप जीनियस भी बन सकते हो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आया हो, और आप सभी को इस टॉपिक को फॉलो करके आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं फिर अगली और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे भारतीय एडिटर यूट्यूब चैनल।